बचपन से ही हम सभी ने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं और इन कहानियों के एंड में हमेशा आता है द मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो कहानी से बढ़ के हमारी असल जिंदगी में हमको कुछ सिखा के जाते हैं। तो मेरी आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। जिसके पहले मैं आपको इसका मॉरल बताऊं, आपका कहानी सुनना बहुत जरूरी है। तो शुरू करें। आज का सफर शुरू होता है नूबरा से, जहाँ पे मेरी पिछली वीडियो खत्म हुई थी। निकले हैं फॉर आर नेक्स्ट एडवेंचर, जो एक बहुत बहुत आइकॉनिक डेस्टिनेशन पे है। हम निकल पड़े थे हमारी आखिरी दो डेस्टिनेशंस पे, जिसमें से पहला डेस्टिनेशन था पैंगोंग लेक। उसके पहले थोड़े से काम है, जैसे हमको रास्ते के लिए फ्यूल लेना है क्योंकि पेट्रोल पंप्स नहीं है, बाइक में कुछ ब्रेक्स की प्रॉब्लम है वो सब फिक्स करवाना है। ये सफर जितना आपको आसान लग रहा है उतना था नहीं, क्योंकि रास्ते में आए बहुत सारे कच्चे रास्ते, गर्मी, बारिश, ठंडी हवाएं। मानो ये 150 किलोमीटर्स ने हमें मेंटली और फिजिकली तोड़ने की पूरी कोशिश की। फाइनली हम लोग पहुंच गए पैंगोंग लेक। कुडंट गो ऑन द बाइक एनीमोर क्योंकि ठंड और ये सब मैं झेल नहीं पा रहा था, सो नाउ आई एम इन द कार 150 किलोमीटर स्टडी। अब आपने अगर पहले कभी पैंगोंग लेक का नाम नहीं सुना है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि आपने इसको कभी ना कभी तो देखा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे शूट ही हुई है इतनी सारी मूवीज। अब जैसे ही आप पैंगोंग के पास पहुंचोगे, आपको पहले दिखेगा कि बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे आए हुए हैं। इसे हम कहते हैं द कमर्शियल पार्ट ऑफ पैंगोंग। पर अरे, कमर्शियल एरिया से हम फोटोग्राफर्स का कुछ नहीं होता, तो हमें और थोड़ा एक्सप्लोर करना था। पैंगोंग एंटर होते ही थोड़ा सा आगे जाके आता एक छोटा सा गांव जिसका नाम है मेरक। बट मेरक एक छोटा सा गांव है और आपको यहाँ पे कोई होटल वगैरह नहीं मिलेगा रहने के लिए। आपको रहना पड़ेगा गांव वालों के साथ, उनके घर के अंदर जगह मिली है। इट्स अ होम स्टे, मतलब किसी का घर है। अब अगर आपको पता नहीं है तो लद्दाख में ऑलरेडी बहुत ठंड थी और पैंगोंग पहुंचते ही ये ठंड और भी बढ़ गई, क्योंकि लेक के पास चलती है ठंडी हवाएं और इसे सहन कर पाना कोई मजाक की बात नहीं है। तो पहले दिन जैसे तैसे ये ठंड में हम लोग खाना खा के सो गए और अगले दिन निकल पड़े ये लेक की खूबसूरती को देखने। आप जितना भी कोशिश करें ये जगह के खूबसूरती से सैटिस्फाई होना मानो इम्पॉसिबल है। कहते हैं ना कि नेचर के सामने हम सभी कुछ भी नहीं है। आज मुझे पहली बार इस चीज पे दिल से भरोसा हुआ। पर कहते हैं ना द शो मस्ट गो ऑन, और इसी तरह हमको अगले दिन निकलना था हमारे नेक्स्ट और आखिरी लोकेशन के लिए, जो था हानले। पैंगोंग को बाय बाय बोल के निकल रहे हैं टुवर्ड्स हानले। और हम हानले जा रहे थे एक बहुत ही स्पेशल चीज कैप्चर करने। अब यूजुअली इसके पहले की सारी लोकेशंस में हम लोग दिन में घूमते थे, रात को सोते थे, लेकिन हानले में हमको दिन में सोना था और रात को जगना था। बहुत ही रोमांचक राइड के बाद हम लोग फाइनली हमारे लास्ट होम स्टे पे पहुंच चुके हैं, जो हानले में है। क्योंकि यहाँ पे रात में कुछ जादू ही होता है, कुछ ऐसा जो आप ये शहरों में नहीं देख पाएंगे। चलो मैं जरा आपको यहाँ के रात के नजारे दिखाता हूँ।
रात के बजे इट्स 2 o'clock in the night रात के 2:30 हुए हैं एंड बाहर थोड़ा थोड़ा मिल्की वे दिखने लगा है. मैंने टाइम लैप्स लगाया है बट इट्स वेरी वेरी गुड आउट देयर. और जैसे ही ये पहली रात ख़त्म हुई मानो ये दिल पागल हो गया. अगले दिन के रात के लिए एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गई. पूरा रात जगने के बाद सबकी बैटरी डाउन है. Everyone's passed out, but आज हमारा हल्ले में आखिरी दिन है तो आज रात को भी वापस शॉट्स लेने हैं क्योंकि मैं कल रात से इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ. मेरे लिए फर्स्ट टाइम था ये मिल्की वे फोटोग्राफी कैप्चर करना एंड ऑल ऑफ दैट. सो टुडे आई एम मोर कॉन्फिडेंट एंड आई गेस आई बी एबल टू गेट बेटर शॉट्स. तो हम लोगों ने दिन में किया आराम और अगले दिन वापस पहुँच गए छत पर मिल्की वे कैप्चर करने. सो अबाउट हाफ एन आवर हो चुका है ऊपर आके. मून ऑलमोस्ट जाने को है माउंटेन के बीच. हम जब उसका इंतज़ार कर रहे हैं. अब काफ़ी लोग मानते हैं कि एक फोटोग्राफर वो होता है जो अपनी कैमरा से अच्छी फोटोज़ ले सके. उसके बाद हम लोग शॉट्स लेना और शुरू करेंगे एंड वी गोना बी स्टेइंग अप ऑल नाइट टुडे. बट मेरे हिसाब से फोटोग्राफर वो होता है जो पूरी रात जगता है हद से ज़्यादा ठंड में वो आशा में कि वो अपने कैमरा से कुछ ऐसा कैद कर ले जो उसकी आँखें ना कर सके. ग्लव्स से कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी ना एक फोटोग्राफर वो होता है जो अपनी शरीर के दर्द को भूल के वो एक्स्ट्रा माइल जाता है जस्ट वो एक फोटो लेने के लिए. और मजे की बात है कि वो इसमें हमेशा सफल नहीं हो पाता है पर तो भी उसके अंदर एक खुशी रहती है क्योंकि उसने कोशिश की. ये जगह से अगर मैंने एक चीज़ सीखी कि आप अगर किसी भी चीज़ में आपका एक्स्ट्रा माइल डालते हैं आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं तो उस चीज़ में सफलता को आपके पास पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता. ये कुछ सेकंड की क्लिपिंग्स के लिए मैं 3 रात लगातार नहीं सोया. जिंदगी की हर खूबसूरत चीज़ का एक प्राइस है. अभी वो आपको डिसाइड करना है कि अगर आपको प्राइस देना है या नहीं. तो गुड मॉर्निंग गाइज. अभी बच्चों के 4:30 और हमारा जस्ट वीडियो सेशन खत्म हुआ और बहुत अच्छी अच्छी टाइम लैप्सेस आई. पर इसी के साथ हमारा वक्त हानले में हो गया था खत्म. इट वाज टाइम फॉर अस टू लीव. पर लद्दाख को एक बार जाके आप पूरी तरह से महसूस नहीं कर सकते. एक चीज तो पक्की है कि ये जगह से मुलाकात मेरी वापस बहुत जल्द होगी. Between my teeth and knife. जितना भी मैं महसूस कर सका उसमें मैं बहुत सारी चीजें सीख के वापस आया. तो बस इसी के साथ आज की कहानी यही खत्म होती है.